हर रोज हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर, हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का, पैरोकार निर्भीकता और सच्चाई का। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को पीडीपी विधायक वहीद पारा ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा फिर से बहाल करने की भी मांग की गई है। विधानसभा में पेश इस प्रस्ताव के विरोध में भाजपा के विधायकों ने हंगामा भी किया। वहीद पारा का कहना था कि जम्मू कश्मीर को फिर से विशेष दर्जा मिलना चाहिए और आर्टिकल 370 की बहाली हो जानी चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर को दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की भी मांग की। फिलहाल जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां दिल्ली की तरह ही विधानसभा भी है। वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें पता था कि एक सदस्य द्वारा इसकी तैयारी की जा रही थी। हकीकत ये है कि 5 अगस्त 2019 को लिया गया फैसला जम्मू कश्मीर की जनता को मंजूर नहीं है। अगर उन्होंने मंजूरी दे दी होती तो नतीजे आज का दिन अलग होता। सदन इस पर कैसे विचार करेगा और इस पर चर्चा करेगा या किसी एक सदस्य द्वारा तय नहीं किया जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रस्ताव केवल कैमरों के लिए पेश किया गया था और इसका कोई वास्तविक महत्व नहीं। उन्होंने कहा कि अगर प्रस्ताव के पीछे कोई वास्तविक इरादा होता तो इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चर्चा की जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हमें पता था कि इसके लिए एक सदस्य द्वारा तैयारी की जा रही थी। हमें मालूम था कि इस तरह की तैयारी की जा रही थी ऑनरेबल मेंबर की तरफ से, लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद आज स्पीकर के इलेक्शन और लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस को छोड़ के और फिर ओबिचुअरी रेफरेंसेस, क्योंकि हमारे एक सिटिंग मेंबर आज हमारे दरमियान है नहीं, बहुत से और हमारे एक्स मेंबर्स हमारे साथ है नहीं, उसके बाद हम जो है अपना ये सिलसिला शुरू कर लेते। लेकिन चलिए, आपके ही इलेक्शन के बाद आपको मुबारकबाद पेश करने के बजाय हम इस पर पड़ गए। मैं सियासी तकरीर आज करना चाहता ही नहीं था, इसलिए मैंने कोई सियासी बात शुरू में की नहीं। हालांकि मेरे मेंबरों की तरफ से जो कहा गया गलत नहीं कहा गया था। मैं इसलिए पहले नहीं उठा क्योंकि हाउस का ये तरीका रहता है कि पहले बाकी ऑनरेबल मेंबर्स बोलते हैं, फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता है और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस बोलता है। मैं उठा इस उम्मीद के साथ कि मेरे बोलने के बाद, क्योंकि मैंने पूरे हाउस की तरफ से बात की, हाउस एडजर्न होगा और हम दोबारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा सुनने के लिए जमा होंगे। लेकिन चलिए, थोड़ा सा रिवर्स हुआ और बीच में अब सियासत आ गई। सियासत करना, इसके अलावा तो शायद कुछ मेंबरों के पास और कोई चारा होगा नहीं। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पर अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते हैं। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। आगे जाके जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस का सिलसिला शुरू होगा मेन सेशन में, तब इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर्स जो लाना चाहे वो लाएं। लेकिन फिलहाल इस सेशन में हाउस के तरफ से क्या बात होगी, क्या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस तय करेगी आपकी इजाजत के साथ। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई मतलब अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमराज को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता
तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस की तरफ से क्या बात आनी चाहिए। वहीं पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने के लिए पीडीपी नेता की सराहना की। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध करने का विशेष दर्जा बहाल करने के संकल्प के लिए वहीद पारा द्वारा जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने पर मुझे गर्व है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस